भाई करते ही 400 वर्सेस बीएमडब्ल्यू भाई भगा रहा पूरी भाई निकल गया भाई कट मार के निकल गया वो सनरूफ से निकल गया बंदा। अरे बाप रे बाप पूरा शूट चल रहा है यहाँ पे। क्या लग रही है गाड़ी कन्वर्टेबल भाई क्या लग रही है यार मजा आ गया भाई गाड़ी देख के भाई मैंने फर्स्ट टाइम रोड पे चलती हुई देखी है। आजा भाई रेस लगा ले आजा भाई लो जी रेस लग गई छपरियों से भाई छपरियों ने भगानी शुरू कर दी तो भाई छपरी निकल गए। लास्ट टाइम देख लो भाई रैप होने जा रही है H2 के साथ भी रेस हो गई ना ये H2 को भी खा जाएगी। आओ आ गई भाई ओ शिट मैन मजा आ गया भैया मजा आ गया। निकला जा रहा है घर से और काफी टाइम बाद चलाने लगा हूँ आज। चादरें डली हुई हैं बाइकों पे। ये ले बाबू हल्के सी भूसा उधर करनी पड़ेगी चाबी भी नहीं लेके आया मैं। देखो बैठते सार बाइक के ऊपर खर्चा आ चुका है सीधा मिलते हैं रोड पे। आज हम निकले हैं करोल बाग के लिए। आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस व्हाट्स अप दिस इज HSB वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गाइस आज हम जा रहे हैं करोल बाग कोई कुछ काम से मुझे छोटा मोटा सामान लेना है और अपनी भूसा के लिए ना टैंक पैड लेके आना अच्छा सा नाइस सा तो वो भी ले लेंगे टैंक पैड और एक दो छोटे छोटे काम और हैं वो भी निपटा लेंगे। तो आज मैंने कोशिश करी कि भाई BMW लेके चलते हैं क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और भूसा इतनी हीट फेंकती है ना बहुत ज़्यादा। ये इसके अंदर ये चीज़ है यार ये ना हीट बहुत कम फेंकती है वो हीट इतनी ज़्यादा फेंकती है ना भाई आग लग जाती है था इसके अंदर ये लगा लो। और टाइम भी देखोगे ना 5 बज गए हैं भाई निकलते यार बहुत टाइम हो गया। सो गाइस आ चुका है पेट्रोल पंप पे आफ्टर सो लॉन्ग काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी बाइक है भाई। यूट्यूब पे डालते हो नहीं यूट्यूब पे नहीं जाते वैसे ही बनाते रहते हैं हम वीडियो मुझे कर तो रखा आपने बेल आइकन ऑन करो। ओके भाई आप भी आगे वीडियो में भाई लो जी लोगों को पता ही नहीं लगता कि भाई मुझे पहले ऑलरेडी उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा था बट क्या है कि मैं ना फेस वगैरह बहुत कम दिखाता हूँ क्योंकि बाइक्स पे भाई सारी चीज़ें ना छिप जाती हैं हेलमेट आ जाता है मुंह के ऊपर तो लोग ना इतना पहचान नहीं पाते नाम से जानते हैं सिर्फ कहता भैया आप एक ना सरदार जी हैं वो वीडियोज़ बनाते हैं ये वो तो बाद में देखा तो वो सरदार जी मैं ही था। चल कोई नहीं बाबा सुख रखे। एग्जॉस्ट लगा हुआ है भाई इसमें थार में और यार अब ना एक ना थार प्लान कर रहा हूँ यार लेने की ना मैं बता ही देता हूँ कि एक ना थार भी आने वाली है ड्राइंग रूम में सजाने के लिए ना एक बहुत मस्त सी चीज़ मैंने बहुत पहले की सोच रखी थी। पिछले महीने का व्लॉग देख के आ रहा हूँ कि मैंने तभी प्लान कर लिया था मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई अपनी 3 बाइकें आने वाली हैं एक ना आधी एक सुपर बाइक थी एक RC थी और एक जोन सी स्पेशल चीज़ थी अब पार्सल हो चुकी है। थोड़ा ना टाइम लग रहा था दिल्ली के अंदर क्योंकि ना प्राइजेज में ना बहुत फ़र्क आ जाता है कि प्राइजेज में ना कम से कम नहीं तो 7-8 हज़ार रुपये का फ़र्क आ रहा था इसलिए मैंने ना वेट कर ली थोड़ी सी नहीं तो मेरा यही विचार था वो चीज़ को ना मैंने बाइक के साथ ही लेना था। बाकी गाइस मुझे एक्चुअली आज जाना था 3 बजे आउटो सेशन की काम इतने पड़े हुए हैं भाई भगवान का नाम ना लेने नहीं देते काम काल का जोर इतना है ना कुछ कहने की हद नहीं अच्छे काम के लिए जाओ ना तो काल पीछे खींचता है पर भगवान सपोर्ट करता है तो आज जाने का विचार था सुबह बट नहीं जा पाए। मैं ना भूसा लेके निकलता हूँ ना उसके रिएक्शन इतने बढ़िया आते हैं ना अब मैं चीज़ें देखता हूँ ना इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते भूसा के साथ में क्योंकि भाई ये ना प्रॉपर ट्रैक मशीन है ट्रैक पे भगाने के लिए। मैं ना पहले सोचता था कि इन्होंने छोटी छोटी बाइकें इतनी बना दी है इतनी तो KTM RC होती है R15 होती है इतनी छोटी छोटी लगती है बट इन्होंने इतने पैसे लगा के भी ये छोटी चीज़ क्यों बनाई है तो अब पता लगा जब मैंने भूसा ली है कि भाई टेक्नोलॉजी ना वही सीन हो चुका है कि पहले इतने बड़े बड़े फ़ोन आते थे पेजर जैसे अब वो छोटे छोटे होते हुए इतने छोटे हो गए तो रीज़न सारा था टेक्नोलॉजी का। एक बात बोलता हूँ
हाई एंड बाइक का हाई एंड भाई, मैं सच कह रहा हूँ। जिस दिन H2 के साथ भी रेस हो गई ना, ये H2 को भी खा जाएगी, ये लगा लो। इसके अंदर तो इतनी पावर है ना, इतनी पावर है ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ। 10R इसके साथ चलती है ना, तो 10R भी ना पूरा BM का ना मुकाबला करती है, जो न्यू वाली 10R है भाई। बहुत उसके अंदर उन्होंने ना सिस्टम बनाया, एक बार खींच के दिखाते हैं आपको। ब्रेक्स बहुत टूटती हैं, बाकी यार सच बताऊं इसके भाई डिस्क पैड्स बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। कि आप एक साइड के डलवाने जाओगे ना तो 18,000 रुपये के आते हैं एक साइड के। मैंने इसके आई थिंक 28,000 रुपये के तब डलवाए थे, 28,000 के। बहुत महंगे डिस्क पैड है इसके। मैंने इसकी जो इंजन ब्रेकिंग है ना, वो मैंने हाई लेवल पे करी हुई है कि मुझे ब्रेक मारनी ही ना पड़े। कि हम जाके ना, देखो मैं रेस छोड़ूंगा ना, बाइक देखो कैसे रुकेगी, देखो रेस छोड़ती है। बहुत कम होता है कि मैं ब्रेक मारूं। मैं रेस छोड़ता हूं ना, वैसे बाइक ना कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है यार। मुझे ब्लैक कलर की थार बहुत बढ़िया लगती है। मैंने ली ना थार, तो मैं स्टॉक रखूंगा बिल्कुल, मतलब उसमें अलॉय श्लॉय कुछ भी नहीं लगाऊंगा। बाइक खींचते भी इसको खींचता हूँ ना जब भाई, वो फीलिंग ना भूसा में भी नहीं आ सकती। ये तो ऐसे निकलती है ना, कुछ कहने की हद नहीं। बाकी यार जो मैं भूसा के अंदर मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि मैं करवा रहा हूँ कि वन इन इंडिया बनेगी अपनी भूसा, तो भाई वो सामान आ चुका है, तो भाई वो भी चीज़ कराएंगे। और यार मैं इसको ना रैप करवाने लगा हूँ BMW को। हम करवाने लगे हैं BMW 1000 RR को रेड कलर की रैप। जब तक हमारी बाइक नहीं आएगी, जो न्यू वर्जन हमने बुक करवा रखी है, तब तक इसको रेड करवाने लगा हूँ भाई। बाकी रेड बताओ कैसी लगेगी, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, रेड करवा दी जाए या फिर और कोई रैप करवाया जाए। क्योंकि ना मैं काफ़ी टाइम से ना ऐसे ही चला रहा हूँ, जब से भूसा आई है ना, तो ऑलमोस्ट ना भूसा पे ही ब्लॉग्स हो रहे हैं। इस पर मैं बहुत कम करता हूँ, फुल स्लीव्स पहनी हुई है मैंने, जो एल्बोज है ना वो काली ना हो जाए, तो बस ये चक्कर है। गर्मियों के अंदर ना ये थोड़ा सा इशू रहता। बाकी यार गर्मियों में ना इसको चलाने का स्वाद अलग ही है। बाकी गाइस संडे राइड्स करें तो भाई नीचे कमेंट कर देना संडे राइड्स पे ना। अपना दोनों बाइक्स लेके जाएंगे, हाया भूसा भी और साथ में BMW S1000 RR अपनी जो M Pro है उसको भी लेके चले। यार मैं सच कह रहा हूँ, इतनी लाइट वेट है ना, जब तक बंदा ना आप प्रैक्टिकल ना करे ना चीज़ों को, तो बंदे को ना पता नहीं लगता। तो वही चीज़ है, मैंने प्रैक्टिकल करा ना, फिर पता लगा कि भाई इतनी लाइट वेट के अंदर इतनी पावरफुल मशीन बना दी है ना इन्होंने। सामने भाई खुला रोड़ा मार दे फिर खिंचा, बहुत मेंटल बाइक है यार, सच में कह रहा हूँ। पहले ना आपको रुक के ना ओवरऑल लुक दिखाता हूँ, क्योंकि धूप बहुत प्यारी पड़ रही है और ना आप बाइक बहुत सेक्सी दिखेगी। बाइक की ओवरऑल लुक और भाई ये चेक करो, बहुत लाउड है यार सच में। चलो गाइस अपना एक बारी फिर खिंचा मार के दिखा देते हैं आपको। ऑफ कर दिया भाई ट्रैक्शन, व्हीली दिखा दूँ, एक व्हीली नहीं खिंचा मार के दिखाता हूँ आपको। ये तो ऊपर आएगी हवा में भाई, देखो ना ऐसे नाच रही है, ऐसे ऐसे कर रही थी भाई। भाई बहुत पावर है इसका, ट्रैक्शन ऑन ही कर देता हूँ यार। भाई चेक करो भाई, गाड़ी चेक करो। अरे भाई ये क्या देख लिया हमने, मेरी फेवरेट E400 भाई। एग्जॉस्ट भी लगा, आवाज सुनो गाइस, आवाज सुनना भाई। भाई बहुत भारी आवाज आ रही है भाई, गाड़ी चेक करो यार। E400 कन्वर्टेबल भाई, क्या लग रही है यार, मजा आ गया भाई गाड़ी देख के। भाई मैंने फर्स्ट टाइम रोड पे चलती हुई देखी है। आवाज सुनो भाई गाड़ी की, आवाज सुनो भाई, करते ही 400 वर्सेस BMW भाई, बहारा पूरी। लो जी भाई वो सनरूफ से निकल गया बंदा ऑडी के। अरे बाप रे बाप भाई, वो देखो भाई पूरा शूट चल रहा है यहाँ पे, चेक करो भाई क्या लग रही है गाड़ी, मजा आ गया यार भाई। वो देखो वहाँ वीडियो बना रहा है, ये देखो भाई पूरी बघा रहे, पूरी गाड़ी बघा रहा है, नेक्स्ट लेवल यार, क्या लग रही है यार, मजा आ गया यार गाड़ी देख के। आगे से आपको दिखाता हूँ क्या लग रही है, मजा आ गया भैया, मजा आ गया भाई, खुश हो गए। देखो भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरा ड्रीम बन चुका है यार। ये मेरे ख्याल से शूट करवा रहे हैं ऑडी भी इनके साथ में। देखो आगे से कुछ ऐसी लग रही है गाड़ी, मस्टैंग से भी ऊपर है ये गाड़ी। पर यार ये काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी है, क्योंकि कन्वर्टेबल में ना मर्सिडीज की अलग ही लुक है यार। तुम्हें पता है आपका भाई ना मर्सिडीज का फैन है, तो यार कन्वर्टेबल गाड़ी लूंगा ना तो यही वाली लूंगा मर्सिडीज। देखो अंकल जी को स्कूटी पीछे करके देख रहे हैं भाई, कौन सा घोड़ा लेके घूम रहा है वो। देखो अभी भी देखी जा रहे हैं अंकल जी का रिएक्शन, देख रहे हो अंकल जी, ये लड़के के पास आया भूसा भी है, ये ध्यान रख लेना। फौजी भाई, ट्रैफिक पुलिस वालों की फौज खड़ी हुई है यहाँ पे, ये चेक करो गाड़ियाँ रोक के। अरे वैगनारे रोकी हुई हैं और जेट भी नहीं कराई उन्होंने, सिर्फ चिपकू लगाए हुए फिर भी रोकी हुई हैं। हमारे राइट साइड पे है हनुमान मंदिर जी, देखो जो कि भाई तुम्हें पता है कि बॉलीवुड की फिल्में हों उसके अंदर भी इन्होंने इसका शॉट लिया था। फाइनली घुस चुके हैं करोल बाग के अंदर, काफ़ी मुशक्कतों के बाद। यहाँ आना भी भाई एक टास्क है सच बताऊं तो भाई। ये देखो यहाँ पे राइट साइड पे गाड़ियाँ खड़ी है, फॉर्चुनर खड़ी है 0085 नंबर,
फॉर्चुनर भी लगती बढ़िया, पर वही है ना, जब शादी शुदी हो जाएगी ना तभी लूंगा भाई। तो सारा करोल बाग की मंडी है। चलो गाइस अब ना सीधा वहां पे चलते हैं शॉप पे।